हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सबका स्वागत करता हूँ लर्निंग लाइफ में। आप देख रहे हैं जीके का सीरीज। आज बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस है जो बार बार एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं। जो टंग का जो एरिया है जो अलग अलग टेस्ट को सेंस करता है, और इसके अलावा कितने टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, ये हमेशा एसएससी और रेलवे में बार बार पूछा गया है। तो आज उसी से रिलेटेड मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। जो सबसे पहला है कि जो आपका जो टंग होता है उसका जो टंग का डिफरेंट एरियाज है वो किस टाइप के टेस्ट के सेंस करने के लिए बना होता है। तो आप देख रहे हैं ये जो टंग का डायग्राम है आपके सामने इस स्लाइड में, टंग का डायग्राम है। और ये जो सबसे आप जो सबसे ऊपर देख रहे हैं वन, ये जो है आपके टंग का इनर साइड है, इनर मोस्ट साइड है। अंदर का जो एरिया वन है वो जो है हमेशा बीटर, जो तीखापन होता है, उसके टेस्ट के लिए होता है। आप ये कॉमनली फील भी कर सकते हैं कि जब भी आप कुछ मिर्च वाली चीज़ें खाते हैं, जब भी आप कोई तीखा खाते हैं, तो आपको सीधा जो टंग का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वहीं आपको ये चीज़ सेंस होता है कि वो बिटर है। उसके जस्ट बाद जो आप देखेंगे, जो नंबर टू है, जो नंबर दो देख रहे हैं, उसमें आपको सॉर खट्टा जो होता है उसे जो फील करने के लिए है वो नंबर दो है। और जो नंबर तीन है, जो थर्ड टाइप ऑफ एरिया देख रहे हैं, इसमें आपको सॉल्टी फीलिंग देता है। सॉल्ट आप फील करते हैं, सेंस होता है वो पार्ट थर्ड। और जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, जो टॉप मोस्ट जो है, वो फोर है। फोर जो है इसमें आप स्वीटनेस, जो मीठापन होता है, वो आप स्वीटनेस जो है टंग के जो एकदम फ्रंट पार्ट होता है वहाँ से फील करते हैं। देखते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट है नंबर ऑफ टीथ और जो टाइप्स ऑफ टीथ, कितने टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं और ऐसे कितने टीथ्स हैं, किस किस टाइप के कितने टीथ होते हैं। तो जो सबसे पहले आप देख रहे हैं वो ये है इंसाइसर्स। जो इंसाइसर्स होता है ये जो होता है एकदम जो फ्रंट टीथ होता है, जो सामने वाला टीथ होता है, इसे हम इंसाइसर बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रंट के जो चार सामने के जो दिए हुए हैं, इसको इंसाइसर्स बोलते हैं। ये जो होता है इसका जो फंक्शंस होता है वो कटिंग। अब यदि आप किसी चीज़ को, कोई भी फूड आप जैसे इनहेल करना चाहो, कोई भी फूड आप यदि च्यूइंग करने से पहले आप उसे कट करेंगे, तो जो कटिंग करने का काम करता है वो इंसाइसर्स का काम होता है। और ये जो होता है इसकी क्वांटिटी टोटल एट होता है, फोर अपसाइड और फोर डाउन साइड। आपका फोर जो है आप देख रहे हैं फोर नीचे होता है ये, और इसके बाद जो अलावा जो ऊपर जो आप फोर होता है ये टीथ क्या होता है, इंसाइसर्स होते हैं। जो कैनाइन होता है, जो सेकंड टाइप का जो टीथ है जो कैनाइन होता है, ये आप देखेंगे जैसी फोर टाइप्स, ये जो फोर टाइप टीथ देख रहे हैं इसके जस्ट एक यहाँ और एक यहाँ ऐसा होता है, इसे कहा जाता है कैनाइन। जो ये कैनाइन टाइप के जो टीथ होता है आप जो ऊपर देखा हुआ है, ये कैनाइन क्या करता है, टीयर करने का काम करता है। ये नॉर्मली बहुत शार्प होता है, आपको क्लियरली खुद भी पता चल जाएगा शार्प होता है। और ये जो होता है दो अपसाइड होता है और दो डाउन साइड होता है। एक्चुअली में ये इंसाइसर जो आप फोर टीथ होता है जो सामने के, इसके एक यहाँ और एक यहाँ होता है जो बहुत ही नुकीला होता है, शार्प होता है। तो ये जो होता है दो नीचे साइड और दो अपसाइड, मतलब टोटल फोर होते हैं ये। इसके अलावा जो थर्ड टाइप देख रहे हैं आप, जो थर्ड टाइप है वो इसको प्रीमोलर बोलते हैं। जो प्रीमोलर टीथ होता है, जस्ट जो कैनाइन जो आप देखे थे, जो शार्प टीथ जो टीयरिंग के लिए यूज होता है, उसका जस्ट बगल में दो दो जो टीथ होता है उसे प्रीमोलर बोलते हैं। प्रीमोलर जो च्यूइंग का काम करता है, क्रश करने का काम करता है जनरली। और जो होता है ये भी फोर अप और फोर डाउन, ये भी एट होते हैं टोटल नंबर ऑफ। उसके बाद मोलर, मोलर जो होता है आपका, जो ये जो तीन टीथ होता है अंदर का, इधर यहाँ जो तीन होता है, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलार। जो मोलार टाइप के होते हैं, थ्री इधर थ्री इधर, मतलब सिक्स, तो सिक्स डाउन एंड सिक्स अप, यहाँ भी थ्री यहाँ भी थ्री, तो मतलब सिक्स बिलो और सिक्स जो है अप होता है। तो टोटल जो होते हैं ट्वेल्व होते हैं मोलार टाइप के टीथ। तो इस टाइप के आपको पूछा जाता है कि जो कैनाइन होता है, जो इंसाइसर्स होता है, इस टाइप के टीथ का फंक्शंस क्या होता है, क्या आप टीयरिंग के लिए यूज करते हो, क्या आप कटिंग के लिए यूज करते हो, या च्यूइंग के लिए यूज करते हो। तो ये मैंने फोर टाइप्स ऑफ टीथ, कितने फोर टाइप्स ऑफ टीथ की क्वांटिटी क्या क्या होती है, फोर टाइप्स ऑफ टीथ का पोजीशन क्या क्या होता है, और फोर टाइप्स ऑफ टीथ का फंक्शंस क्या क्या होता है, ये मैंने डिस्कस किया। और इससे पहले वाली स्लाइड में आपने देखा था कि जो टंग का जो डिफरेंट एरियाज है जो टेस्ट को सेंस करने के लिए करने का काम आता है, अलग अलग एरिया, उसे मैंने डिस्कस किया। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।